उपचुनाव का लगातार अपडेट सामने आ रहा है। अभी 17वें राउंड में 23,000 कुछ मतों से आगे चल रहे हैं राजद के प्रत्याशी अमर पासवान। ए टू जेड की बात जो तेजस्वी यादव कर रहे थे वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस बातचीत करने के लिए राजद के विधायक हैं डॉक्टर अनिल सैनी, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और सैनी समाज का भी वोट बैंकिंग जिस तरह से लग रहा है कि राजद के पाले में गया हुआ है, क्या लग रहा है? पहले तो नहीं नजर आ रहा था सैनी समाज की। मैं तो आपको पहले ही से कह रहा था कि हमारा जो समाज है वो जो है सो जमात के साथ रहना जानता है और आज दिखा दिया कि जमात के साथ रहकर निषाद समाज, मल्लाह समाज, अति पिछड़ा के लोग जमात के साथ रहकर और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अमर पासवान को भारी से भारी मत से विजयी बनाने जा रहा है जो आप लोग देख रहे हैं। अनिल सहनी सहनी समाज से आते हैं, सहनी का वोट काटने का काम किया है क्या? सहनी का कहाँ से, सहनी का कोनो पार्टी हो है? कौन पार्टी सहनी के कहते हैं? कोई पार्टी किसी जात का होता है? किसी जात का नहीं होता है, पार्टी जमात का होता है और वो पार्टी राजद का पार्टी है जो जमात के साथ खड़ा है और जमात के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सभी हमारा समाज के लोग, अति पिछड़ा के लोग, वंचित के लोग, ए टू जेड के लोग ने वोट देकर आज जिताने का काम किया। 23,000 वोट से आगे क्या लग रहा है, कहीं चमत्कार तो नहीं हो जाएगा? चमत्कार के और जीन वोर नहीं होता है। हमारा कर्ज करता राजद का, महागठबंधन का सजग था और ईवीएम में उसे किसी प्रकार का बगलिंग करने नहीं दिया, इसका परिणाम आज सामने आ रहा है। अच्छा, जश्न मना रहे, कैसा लग रहा है? अली जिंदाबाद। 810 वर्ष के बाद फिर सीट पर कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, स्वाभाविक हम लोगों का सीट था, परंपरागत हम लोगों का सीट था, मगर कुछ कारण से जिस प्रकार से आप कहते हैं कि सहनी रमई राम जी का वोट कहाँ गया? रमई राम जी के बेटी को जो वोट आया है वो रमई राम के नाम पर वोट आया है, किसी दूसरा के नाम पर वोट नहीं आया है। मुकेश सहनी कहाँ गया? आज के डेट में मुकेश सहनी और रमई राम फैसला करे अपना में कि रमई राम के नाम पर वोट मिला कि मुकेश सहनी के नाम पर वोट मिला। अगर 65,000 वोट, ये तो आप लड़वा रहे मुकेश सहनी रमई राम, 65,000 पूर्व मंत्री को लड़वा रहे, 65,000 वोट अगर मल्लाहों का था तो ये वोट कहाँ गया? रमई राम का क्या वोट नहीं था क्या? रमई राम कहते थे कि बोचा के माने रमई राम, बोचा के माने रमई राम, तो उधर अगर सन ऑफ मल्ला था तो इधर ब्लड ऑफ मल्ला था। ये देखिए, अनिल सैनी ने एक बात कह दिया है कि आखिर वीआईपी को जो वोट आया वो मुकेश सैनी के नाम पर आया कि रमई राम के नाम पर? दोनों ही बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। अब इन्होंने एक पेच फंसा दिया है, लड़ाई यानी कि कह सकते हैं मुकेश सहनी और रमई राम के बीच पेच फंसा दिया है कि आखिर किनके जनाधार पर वीआईपी को वोट आया है, आखिर मल्लाह समाज को वोट काटने में भी ये लोग शामिल हुए हैं। साबित है किस तरह से, देखिए जश्न का माहौल है, न्यूज फोर नेशन लगातार ओछा उपचुनाव का अपडेट देता जा रहा है। देखिए किस तरह से गाजे बाजे बज रहे हैं, फटाखे भी छोड़ी जा रही है, रंग गुलाल और ठुमके, जबरदस्त ठुमके लगाए जा रहे हैं क्योंकि एक ही चुनाव है और जिला भर के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए, राजद के कार्यकर्ता है और देखिए किस तरह से ये राजद का कैंप है, मतगणना स्थल जो है उसी के चंद कदमों की दूरी पर ये केंद्र है और जैसे जैसे राजद के पाले में रुझान आते जा रहा है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का ठुमके में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। पूरी खबर हम आपको वो चुनाव उपचुनाव का लगातार दिखा रहे थे, आज मतगणना चल रही है उसकी भी अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। 17वें राउंड समाप्त हो चुके हैं जिसमें 23,000 वोट से आगे चल रहे हैं राजद के प्रत्याशी अमर पासवान और इस उत्साह में कहे देखिए किस तरह से बम धमाके यानी कि बम फटाके भी फोड़े जा रहे हैं, यानी कि फटाके जो है वो लगातार उत्साह में फोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से जीत के तरफ रुझान हो रही है, राजद की खाते में जाता हुआ सीट दिख रहा है वो साफ तौर पर लग रहा है कि आखिर किस तरह से उत्साह है, राजद के कार्यकर्ता है, समर्थक है, पूरी तरह से रंग गुलाल लगाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जो अमर पासवान है उनकी भाभी है इंदिरा देवी जो पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष है। इंदिरा देवी, आखिर उस वो भी चुनावी मैदान में अमर पासवान की ये भौजाई लगती है और इन्हें भी कहीं ना कहीं पिछले बार जिला परिषद अध्यक्ष जो दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान है उन्होंने बनाने का काम किया, अब कैसा लग रहा है बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है मैडम? हमारे छोटे देवर अमर पासवान जी हैं जो आरजेडी से कैंडिडेट बने बोचा विधानसभा से, इनका बहुमत बहुत ज़्यादा है
और भारी मत से जीत रहे हैं, 30,000 से 40,000 वोट से जीत रहे हैं। आप भी चुनावी मैदान में थे, कैंपेनिंग किए, कैसा लग रहा था उस दौरान, क्या लग रहा था, जीत होगी? हाँ जीत होगी, हम तो क्षेत्र का दौरा भी किए हैं, जगह जगह हर पंचायत में गए हैं, हर पंचायत में ही RJD का ही हम लोग का बहुमत मिल रहा था। आप पहले से विश्वास था, आशा था कि जीत होगी? हाँ पहले से भी विश्वास था, विश्वास बनाए हुए? हाँ विश्वास बनाए, जनता पर था विश्वास? हाँ विश्वास थे। तो कितना मत से लग रहा था जीत होगी? 30,000 से 40,000 से ऊपर जाएंगे, पहले से लग रहा था। इंदिरा देवी है, पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष है और वर्तमान में जो राजद के प्रत्याशी जो भी लीडिंग के तरफ है अमर पासवान, उनकी भाभी है इंदिरा देवी और यहां से पूर्व में जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुकी है। आखिर किस प्रकार से लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं, खबर न्यूज़ फॉर नेशन लगातार हम आपको पूरी अपडेट दे रहे थे, न्यूज़ फॉर नेशन पूरी तरह से आखिर जश्न कैसे कैसे राजद के कार्यकर्ता राजद के समर्थक मना रहे, पूरी तस्वीरें देखिए, ये पूरा माहौल है, गहमागहमी माहौल है, उत्साह में डूबे हुए हैं राजद के समर्थक, राजद के कार्यकर्ता, बैंड बाजे बज रहे हैं, पूरी तरह से गाजे बाजे जो है वो बज रहे हैं, पूरी तस्वीरें देखिए किस तरह से वो ठुमके लग रहे हैं, जश्न जो है, जश्न लगातार ठुमका जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पूरी तस्वीरें दिखा रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से, न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला।